हाय एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और परिश्री किचन में आपका वेलकम है। गाइस, आज मैं आपके लेके आई हूँ आलू और प्याज के पकोड़े की रेसिपी, आप भजिया भी जिसे कह सकते हैं, जो बहुत जल्दी बहुत इजी बन जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसके एक रेसिपी और फूले फूले भजिए की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हमने इसके लिए लिया है एक बर्तन और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप के करीब बेसन। यदि कप के मेजरमेंट से है तो 1.5 कप है और यदि मैं कटोरी के हिसाब से डालेंगी तो 1 कटोरी बेसन है। फिर हम जो हमारे पकोड़े हैं इसे क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। यदि आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप अरारोट का आटा डाल सकते हैं, यदि वो भी ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर का आटा जो आता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद फिर मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ, अजवाइन को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था। और इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी, तो हल्दी हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब इसमें हम हल्दी डालेंगे, ये देखिए। इसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें नमक, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, जितना आप घोल बना रहे हैं बैटर बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग में आप इसमें हम नमक डालेंगे। आप चाहें तो इसमें सादा नमक का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नॉर्मल नमक का यूज़ कर रही हूँ। यदि आप व्रत के लिए बनाते हैं तो आप उसमें सादा नमक का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक बैटर तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, जिससे कोई लम्स ना पड़े, कोई गांठ ना पड़े, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसको अच्छे से इसका बैटर तैयार करेंगे, मिक्स करेंगे इसे। तो देखिए इस तरह से अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे इसे, जिससे जो हमारा बैटर है, यदि आप इसको 5 से 10 मिनट तक थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे मिलाएंगे तो इससे हमारा जो बैटर है बहुत ही अच्छा तैयार हो जाता है, जिससे जो हमारे भजिए हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही फूले फूले बनते हैं। तो देखिए इस तरह से अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे, बीच में देखते जाएंगे जिससे कोई लम्स ना पड़े। ये देखिए अभी हमारा बैटर थोड़ा थिक है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसको और अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर को ज़्यादा पतला नहीं रखना है और ना ज़्यादा ही गाढ़ा रखना है, बस इतना रखना है जिससे कि हमारे आलू हैं या प्याज हैं अच्छे से इसमें डिप हो जाएं और अच्छे से सिक जाएं। ये देखिए इस तरह से हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम आलू काटते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 2 आलू लिए हैं। यदि आप बड़े आलू हैं तो आप एक ही आलू का यूज़ कर सकते हैं। आलू आप अपने अकॉर्डिंग है, आप किस हिसाब से अपनी भजिया पकौड़े तैयार करती हैं। तो ये देखिए मैं अभी 2 मीडियम साइज के आलू ले रही हूँ। इस तरह से इनका हम छिलका उतार देंगे। यदि आप भजिया बना रहे हैं तो आप इसे पानी में, यदि थोड़ी देर बाद बना रहे हैं तो पानी में ज़रूर डुबा के रखिए। तो ये देखिए मैंने इसे छीलने के बाद अच्छे से धो लिया था। इसके बाद फिर हम इसको अच्छे से पतले पतले साइज़ में चाकू से काट लेंगे। यदि आप चाकू से ना काटना चाहें तो कटर से भी काट सकते हैं, लेकिन भजिया है बना रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा मोटा ही काटेंगे, हमें ज़्यादा पतला चिप्स की जैसे नहीं काटना है। ये देखिए इस तरह से चाकू से भी आराम से कट जाते हैं और कटर से भी आराम से कटेंगे। ये देखिए गाइस इस तरह से मैंने इसको ज़्यादा पतला नहीं, हल्का सा इसको मोटा ही रखा है, जिससे जो हमारे भजिए हैं खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। ये देखिए ज़्यादा इसकी मोटाई नहीं है, बहुत ही कम मैंने इसको काटा है। इसके बाद प्याज है, तो मैंने एक प्याज लिया है, इसका मैंने छिलका छील लिया है। हम प्याज भी इसी तरह से गोल गोल काटेंगे। ये देखिए इस तरह से चाकू सहायता से हम पतले पतले इसके स्लाइसेस काटेंगे, जिस तरह से हमने आलू काटे हैं। और यदि आप सिर्फ प्याज का बना रहे हैं तो आप इसके बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके भी प्याज के पकौड़े बना सकते हैं। तो मैं आलू के अकॉर्डिंग में ही इसके प्याज के भी पकौड़े बनाऊंगी, इससे जो हमारे प्याज और पकौड़े और आलू के बहुत ही अच्छे फूले फूले और क्रिस्पी बनते हैं। तो इस तरह से हम पूरी प्याज तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज ऐसे कट चुकी है। इसी तरह से मैं 2 प्याज का यूज़ कर रही हूँ। बस इसी तरह से हमें गोल गोल प्याज काटना है, ज़्यादा पतला इसको नहीं करना है। तो ये देखिए गाइस इस तरह से हमारी प्याज और ये आलू हमने काट लिए हैं। तो चलिए अब इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं इनको धीरे धीरे अच्छे से अलग कर दे रही हूँ, क्योंकि ये कटने के बाद थोड़े से चिपक जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इन्हें अलग अलग कर दे रही हूँ। तो चलिए हमारा बैटर भी अब तैयार है। तो मैंने इसमें हरी मिर्च और
हरी धनिया का यूज़ किया है। यदि आप लाल मिर्च डालना चाहें तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद धनिया और मिर्ची डाल के इसको हम थोड़ा सा घोल और तैयार कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे जो हमारी मिर्ची है अच्छे से इसे मिक्स हो जाए। ये देखिए, इसे मैं कोई सोडा का यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसी तरह से सिर्फ चावल का आटा डालने से ही हमारा जो है बैटर बहुत ही अच्छा थिक और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने आलू को डिप कर लिया है। बस इसी तरह से डिप करने के बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई का फ्लेम है पहले आप तेज़ कर लीजिए, लेकिन जब सिकने लगे तो गैस का फ्लेम धीमा कर लीजिए। तो इसी तरह से ये देखिए, आलू हम डिप करके सारे आलू और प्याज के चिप्स इसी तरह से भजिया हम डाल देंगे। बहुत इजी रेसिपी है गाइस, और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम सारे आलू हैं और प्याज भी इसी तरह से हम डिप करके इसमें डाल देंगे और धीमी आंच में ही सेकेंगे, ज़्यादा तेज आंच में ना सेकें, नहीं तो ऊपर ऊपर लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो बस इसी तरह से हम सारे भजिए सेक लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे फूले फूले बन रहे हैं। धीरे धीरे इन्हें बीच से हम चम्मच से दबाते जाएंगे, जिससे जो हमारे भजिए हैं काफ़ी अच्छे से फूल जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से हल्का सा हम बीच बीच में इन्हें पलटते जाएंगे। इन्हें 2 से 3 बार यदि आप पलटेंगे और तेज़ आंच ना करें तो इससे ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारे भजिए तैयार हो गए हैं। हल्का सा तेल इनका निथार जरूर लें, निकाल लें, इससे जो तेल है ज़्यादा नहीं दिखता है, और बस इसी तरह से हम अपने भजिए निकाल लेंगे। ये देखिए गाइस, हमारे भजिए इसी तरह से, मैंने ये प्याज वाले भी हैं और थोड़े से आलू वाले हैं, इसी तरह से हम सारे भजिए अपने तैयार कर लेंगे। बहुत ईजी रेसिपी है, आप इसे चटनी के साथ या सॉस के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसे हरी चटनी और सॉस के साथ सर्व करने के लिए तैयार करी हूँ। ये देखिए, हमारे क्रिस्पी और फूले फूले आलू और प्याज के पकौड़े तैयार हैं। लग ही नहीं रहा है कि मैंने प्याज के भी पकौड़े अलग से बनाए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।